एक कमरे में 5 क्लास तक चल रहा है, एक कमरे में डीएम को, एसपी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, आपको सारे अधिकारी को एक कमरे में बैठा दिया जाएगा, आप लोग काम कर पाएंगे सर? ये देखिए, ये जिला शिक्षा भवन का जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन देखिए, ये पूरा जो है पानी से गीला रहता है बारिश के दिनों में, यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 3 महीना आपकी सैलरी नहीं दी जाए, आपको बुरा लगेगा सर? सैलरी नहीं मिल रहा है। नहीं, 3 महीना तक बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का शिक्षा। जब ये लोग अपने भवन का कंडीशन नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये लोग पूर्णिया जिला के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, पूर्णिया जिला का सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा? देखिए, स्थानीय लोगों ने खुद टीना का छप्पर बनवा के दिया है, स्थानीय लोगों ने। बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है सर, ब्लैक बोर्ड नहीं है सर। अब बताइए सर, मैं अभी जिला शिक्षा कार्यालय पूर्णिया में हूँ और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, साथ में जितने भी बिहार के सांसद विधायक हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जिस दिन वो लोग अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो है ना, नाम जो है ना सरकारी स्कूल में लिखवा देंगे, और जिस दिन वो लोग अपने परिवार वालों का इलाज जो है सरकारी अस्पताल में करवाएंगे, उस दिन बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों दुरुस्त हो जाएगा। क्या हो गया सर? आवाज आ रहा था, काम हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब हो रहा है, काम हो रहा है थोड़ा सा सर। अरे काम करते तो दिखते नहीं ना होता, काम ही नहीं ना कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है सबसे बड़ा। और देखिए, मैं थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ तो समस्या हो रहा है, तो ये लोग जोर से काम क्यों नहीं कर रहे हैं जरा बताइए। सर, आपके कार्यालय से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है सर, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना सर। अच्छा, कितना दिन पहले सर आए हैं? 8 अगस्त को हमने चार्ज लिया। 8 अगस्त को चार्ज लिया है सर। समस्या आपसे नहीं है हम लोगों को, समस्या इस कुर्सी से है। 8 अगस्त के पहले भी इस कुर्सी पे तो कोई तो होगा। 2006 में स्कूल बना है, आप दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं इस पूरे जिला के शिक्षा विभाग के, और आपको 8 अगस्त, आप 8 अगस्त को आए हैं यहाँ पे। इसके पहले जो अधिकारी थे वो बोले होंगे कि हाँ हमको नहीं जानकारी, हमको नहीं जानकारी है। तब तो वहाँ पे एक स्कूल जो है कागज पे चल रहा है, आज जमीन पे उसका विकास 0/0 है सर। देख लेते हैं, जब आप संज्ञान में दिए हैं तो 5वां क्लास तक स्कूल है सर, एक रूम नहीं है। जो रूम है वो स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा टीन का बनाया गया है, पत्रे का, एस्बेस्टस का बनाया गया है, जिसमें बाथरूम नहीं था, तो एक प्राइवेट एनजीओ ने 3 साल पहले बाथरूम दिया है। उसके पहले वहाँ की महिला शिक्षक या वहाँ की बच्चियाँ कहाँ जाती होंगी? 24 कट्ठा जमीन है उसके पास, अब भवन नहीं है, पंखा नहीं है, सब स्थानीय लोगों ने दिया है सर। इसके लिए कौन है दोषी सर? और लोग की पंखा नहीं है, स्थानीय लोगों ने दिया, क्या चीज़ दिया? स्थानीय लोगों ने पंखा दिया है, स्थानीय लोग कैसे दिया? स्थानीय लोगों ने खुद टीना का छप्पर बनवा के दिया है, स्थानीय लोगों ने। बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है सर, ब्लैक बोर्ड नहीं है सर। अब बताइए सर, ठीक है, उसको देखते हैं। मतलब कब तक देखेंगे ये तो बता। मान लीजिए कि 8 अगस्त को आप आए हैं, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ सर, कब तक? मान लीजिए कि 3 महीना आपकी सैलरी नहीं, 3 महीना आपकी सैलरी नहीं दी जाए, आपको बुरा लगेगा सर? सैलरी नहीं मिल रहा है। नहीं, 3 महीना तक बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का शिक्षा। शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों को घर से लाए बुला के कहाँ बैठ, क्या कहाँ बैठाएंगे शिक्षक? भवन दिया गया है, जाके देखिए तो। चलिए सर, पहले चलिए। आपने ही बोला कि टीन का भवन बनाया गया, स्थानीय लोगों के द्वारा टीन का, एक कमरे में 5 क्लास तक चल रहा है, एक कमरे में डीएम को, एसपी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, आपको सारे अधिकारी को एक कमरे में बैठा दिया जाएगा, आप लोग काम कर पाएंगे सर? ठीक है, वैसी परिस्थिति रहेगी तो काम किया जाएगा। देख वैसी परिस्थिति रहेगी तो काम किया जाएगा, और यही कारण है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है। इन्हें दुरुस्त करने की बात करनी चाहिए, तो ये बोल रहे हैं वैसी परिस्थिति रहेगी तो काम किया जाएगा। कैसे काम होगा जरा सोचिए। ये जिला शिक्षा भवन है और इसमें जो है झोल लग गया, ये देखिए पेड़ पौधा का जो है वो, ये देख सकते हैं स्थिति क्या है। और यहाँ पे सर बैठते हैं, ये देखिए, इन लोगों को बुरा लग जाता है। अधिकारियों से जब बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो बुरा लग जाता है। देखेंगे 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 देखेंगे, लेकिन देखते नहीं है। अगर दिखता नहीं इन लोगों को तो ये दुर्दशा नहीं होता। ये देखिए, ये जिला शिक्षा भवन है, देखिए इसका कंडीशन क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, देखिए इसका कंडीशन क्या है। जब ये लोग अपने भवन का कंडीशन नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये लोग पूर्णिया जिला के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, पूर्णिया जिला का सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा? देखिए, ये कभी भी गिर सकता है। ये देखिए ऊपर ध्यान से देखिए,
और जब हम लोग बात करते हैं तो अक्सर जो है हर एक कार्यालय में अधिकारी बोलते हैं हम नया आए हैं, अभी तो हमें 10 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, और 1 साल के अंदर तो सबका ट्रांसफर ही हो जाता है लगभग। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए। अगर जिस भी अधिकारी के क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उन अधिकारियों का महीना रोक दिया जाए, उन सांसदों का, उन विधायकों का, उन मंत्रियों का महीना रोक दिया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 महीना के अंदर अंदर बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। और जब बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, बिहार दुरुस्त हो जाएगा। पूर्णिया में शिक्षा विभाग का भवन 1952 में बनाया गया था और वो भवन अब इतना जर्जर हो गया है कि इसमें बरगद के पेड़ का अंदर का जो शोर होता है ना, बिहार के लोग समझते ही होंगे शोर क्या होता है, इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं, वो पूरा दीवार पे आ गया है, आप देख सकते हैं। 1952 से इसी में शिक्षा विभाग चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना जाने कितना बार जो है विधायकों का आवास, मंत्रियों का आवास का निर्माण जो है बिहार में किया जा चुका है। तो विधायक आवास बने या ना बने, मंत्री आवास बने या ना बने, लेकिन शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए ये भवन बनना चाहिए, और सरकारी स्कूल को दुरुस्त करने के लिए सारे स्कूलों का भवन जो है वो सही ढंग से निर्माण होना चाहिए। ये देखिए, ये जिला शिक्षा भवन का जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन देखिए, ये पूरा जो है पानी से गीला रहता है बारिश के दिनों में, यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, देख सकते हैं। हमें इनसे मतलब नहीं है, ये लोग इसी में गिर जाएं, दब जाएं, उन लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, मैं विनती करना चाहता हूं। और बिहार का शिक्षा व्यवस्था तभी दुरुस्त होगा जब बिहार के लोग ये आवाज़ उठाएंगे कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जितने भी नेता हैं वो सब अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सब अपने परिवार वालों का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में कराएं, तब जाके बिहार का स्थिति सुधरेगा। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, जिला का शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, इसके लिए आप लोग जरूर राय देना। जय हिंद।